सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है जो हमारे 5K सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। तो हमने आपसे बोला था कि एक मतलब सेलिब्रेशन वीडियो आने वाली है, तो संजय भाई ने आपको बताया था उस दिन। तो आज फाइनली वो दिन है, तो अपन लोग सब जा रहे हैं। मतलब हैं तो बहुत सारे बंदे, तो अभी तो तीन ही हैं। खैर मतलब जो आधे बंदे हैं वो एक कार में चले गए हैं, अपन लोग अब तीन बंदे हैं और भाई अपने भाई साथ अमरजीत भाई, तो वो एक कार में जाएंगे अपन लोग। तो थोड़ा हमें लेट हो गया क्योंकि यार थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है, थोड़ा केक वेक का देखेंगे क्या सीन है, फिर लोकेशन देखनी है थोड़ी बढ़िया थी पानी की बोतल, तो फिर मज़े ही आ जाएगा गाइस, रोल हो जाएगा आज। मतलब यार मैंने सोचा नहीं था कि यार 5K सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे। तो यार संजय भाई को देखो यार, संजय भाई भाई जिस दिन 5K सब्सक्राइबर हुए सुबह फोन आ गया मेरे पे कि भाई बधाई हो, 5K सब्सक्राइबर पूरे हो गए। गाइस बहुत बहुत बढ़िया। गाइस अपन लोग निकल चुके हैं घर से, तो ये अपने साथ भाई लोग जुड़ चुके हैं। तो ये बीच वाला मेरा भाई है, आपने इससे पहले वाली वीडियो में तो देखा नहीं होगा। तो ये आज अपने साथ जा रहा है, ये संजय, ये देखो मुंह छुपा के बैठा है, और ये अपने अमरजीत भाई, ये अब तो यार थोड़ा रौला होना चाहिए ना। देखो गाइस मैंने कितनी सीट घेर रखी है अकेले, पीछे बंदों के लिए सीट नहीं हो रही क्योंकि यार मैं लंबा होना, थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए। आज तो पार्टी में पार्टी होगी तगड़ी। हाँ यकीन नहीं हो रहा क्योंकि अभी मुश्किल से 1.5 महीना ही हुआ है, तो मतलब 5K पार हो गए मेरे, बहुत जल्दी हो गए, मुझे पता नहीं लगी 5K इतनी जल्दी हो जाएंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ और ये हमारा पवन है, और पीछे दो तीन लोंडे हैं, और ये योगिता है, ये नितिन है, और ये राजीव है, और मैं सैफी सोएब, आप सब जानते होंगे। और ये पवन आप पहले ही मिल चुके हो, और बिन्नू आ रहा है हमारे साथ, पीछे है आ रहा है वो दूसरी गाड़ी में, और हम जा रहे हैं 5K के सेलिब्रेशन के लिए। देखते हैं किधर जाते हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है कि किधर जाने वाले हैं। पवन भाई सरप्राइज है, अभी थोड़ी देर में आपको 15-20 मिनट में सब पता लग जाएगा, आपको सरप्राइज देंगे, मजा आने वाला है काफी। और थैंक यू सो मच 5K के लिए। बिन्नू ने तो पहले ही बोल दिया, लेकिन मैं भी एक बार बोलना चाहता था, लेकिन मैं अब बोल रहा हूँ उस चीज के लिए। थैंक यू बिन्नू भाई के 5K इतने जल्दी एक मिनिमम हो गए हैं, और आप और सपोर्ट करिए जिससे। और लोंडो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, 5K के लिए मजा आया? बहुत मैं मेरे को जहाँ तक लगता है अगले मंथ से पहले अपने 15K तो आराम से हो जाने चाहिए, ना गाइस हो जाने चाहिए, आराम से हो जाएंगे, और वो आप लोग कर दोगे मेरे को पता है। और ये बिन्नू पीछे रह गया, पता नहीं कौन सी बैलगाड़ी चला रहा है अभी दिखा। और ये हमारे बिन्नू भाई की गाड़ी अब पीछे ही आ चुकी है ऑलमोस्ट, आपको दिखेगी। तो ये है बिन्नू भाई की गाड़ी जिसमें लोंडे बैठे हैं, और ये बिन्नू भाई ब्लॉग शूट कर लूंगा सारा। तो भाई ये देखिए अपनी एक कार, ये कौन भाई अपने, और एक कार तो अपनी है ही, तुम्हें पता ही है, ये अपने बंदे हैं सब। ये सचिन भाई चेंज हो गए, सचिन भाई कह रहे एडजस्ट नहीं हो पा रहा मैं उसमें, काफी हैवी हूँ। अब हाँ यार मैं ऐसे बैठ रखा हूँ उनके चक्कर में। सचिन भाई अपने गप्पे मार रहे हैं थोड़ी, ये कह रहे हम कश्मीर फाइल देख के आए थे, गूल में गिर गए, इनको इतना गुस्सा आ गया कि गूल में गाड़ी ठोक दी इन्होंने, आगे कुछ नहीं देखो, ये कह रहे हैं डरता नहीं हूँ साला, कहीं भी ठोक दूंगा नहीं है। ये देखे आप, ये लौंडा शर्मा आ रही है, शर्मा आ रही है, इसको देख रहे हो शर्मा आ रही है। ये देखो पवन इधर को, अबे भाई ये देखिए अपने उजाड़ दिए पवन भैंग का, पता नहीं चल रहा कहाँ को लेके जा रहे हैं, अब इन्हीं के पीछे पीछे जाएंगे, लोकेशन इन्होंने चुनी है, इसको ये नहीं पता जाना कहाँ है, लेकिन आप तो भाग निकालो पहले ये तो पता जाना कहाँ, फिर तो हम चलते रहेंगे। इसकी काट दे, इसकी काट दे, बार बार हाथ दे रहे हैं, जाना कहाँ है, अबे जाना कहाँ है भैया बता दो, अबे हम आगे जाएंगे तू जाएगा। तो गाइस देख रहे हो इसको यही नहीं पता जाना का, संजय भाई बताइयो कहाँ जाना है, सरप्राइज देगा यार मुझे, क्या सरप्राइज, घंटे का मेरा सरप्राइज। आज भाई लोग हैं ये सब, अपने को सपोर्ट करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, भाई लोग बहुत हैं सपोर्ट वाले, गाड़ी रोक दो
मैं तो कह रहा हूँ यही रोड पे बना लो फाइव के सेलिब्रेशन वाला तगड़ा ही। तो अभी यहाँ कान्या में स्टॉप रखा है, डिसाइड ही नहीं हो रहा कहाँ जाना कहाँ नहीं। पवन आगे आगे ले कुछ पता नहीं चल रहा। एक कार हमारी इधर खड़ी है और एक कार अभी पीछे खड़ी है। पवन कहाँ जाएगा बता, सरप्राइज का कद्दू कर दिया इनने। ये बंदा जो सरप्राइज दे रहा था कि लोकेशन का कहाँ गया है, कह रहा लोकेशन भूल गया एंड वॉच। अबे जाना कहाँ है ये तो बताओ, बता दो बता दो। जंगल है ढेला, आपको देखा होगा वहाँ बहुत बढ़िया लोकेशन है, देखा होगा दिखाएंगे उन्हें। सो गाइस यहाँ पे हम रुक चुके हैं, तो ये कान्या रोड है, कान्या ढेला रोड। तो हम वानिया बेकरी पे रुक चुके हैं, तो ये हमारे भाई हैं, तो हमने इनसे दो पॉइंट का केक मंगा रखा है। तो ये कह रहे हैं अभी ऑर्डर पे मतलब बन रहा है, तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे संजय भाई। अर्जेंट बना रहे हैं, तो हमारे लिए अर्जेंट बना रहे हैं भाई का, बहुत बहुत थैंक यू। तो मतलब मुश्किल से 10 मिनट, और ये अपने भाई लोग यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, परेशान है कि भाई केक वेक, क्योंकि फिर हम नाराज हो नहीं पाया था एडजस्ट, तो अब यहाँ से बनाते हैं। ये अपने उजड्ड भाई आ गए। ये कैसा लग रहा है फिर पवन भाई, 5 के सब्सक्राइबर पे? ये हमारा सबसे बड़ा बहुत बढ़िया लग रहा है। आप बिन्नू भाई को बहुत ज्यादा प्यार ने, आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर करें बिन्नू भाई के, ताकि ये बल्ले बल्ले करते हैं। ये तो आपकी मेहनत तो पवन कर रहा है आज। आज तो पवन कर रहा है। ये उजड्ड पता नहीं, इसको ये नहीं पता कहाँ जाना है, ये गाड़ी पता नहीं कहीं भी लेके चले आ रहा है। फिर बात सरप्राइज घंटा, इसको रास्ता ही नहीं पता गया। तो आप यहाँ से केक वेक उठाते हैं, फिर निकलते हैं लोकेशन पे। सो गाइस अपना केक वेक पैक हो चुका है, ये संजय भाई पेमेंट हो चुकी है, तो अब यहाँ से बस निकलते हैं। तो ये बंदे यहाँ पे मजे कर रहे हैं, ये गुब्बारे यहाँ गुब्बारे भी दिखा दे सबको। तो गाइस अपने पवन भाई ये निकल चुके हैं, ये टाटा निकलो निकलो हम भी आ रहे हैं चलो। तो ये पवन भाई निकल गए, ये अपनी कार है i10, तो अपन लोग इसमें चलेंगे। हम जा चुके हैं और यहाँ पे एक अच्छा व्यू मिला है, तो हमने सोचा आपको दिखा दें, पवन भाई और विद पहाड़ और विद ये छोटा सा ब्रिज। और ये मेरी इंग्लिश बेकार थी, उसको इग्नोर मानना। ये अपना केक हुआ और ये हमारा व्यू आ गया है, बहुत ही खतरनाक वाला। देखो हम इसलिए मैं आपको इधर लेके आया था, ये रिवर है, ये उससे भी बड़ी रिवर है, ठीक है। जो पिछली बार दिखाई थी ना, ये उससे भी बड़ी है। इसमें तो भाई क्रॉस ही करना खत्म है। और ये देखो हिल, और हमने पवन भाई का बर्थडे पिछली बार यहाँ मनाया था, इधर ही आए थे हम, फोटोशूट भी किया था। भाई ये देखिए अपने भाई लोग हैं, अपने को पूरा सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है पूरा सपोर्ट है भाई, दिन रात भाई कभी फोन कर लो, वीडियो के चक्कर में कोई दिक्कत होती तो फोन कर लो, सब लाइफ टाइम रिजर्वेड है। ये अपने पवन भाई है, टामा घाट के पता नहीं कहाँ गए इन्होंने, लोकेशन तो बताई नहीं। तो पवन भाई फिर कैसा लग रहा है 5 के सब्सक्राइबर पे? लोकेशन उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन ये वो शख्स है जिसने हमारा पोपट काटा, तो इसने हमारा पोपट काट दिया है, ढेला बुलाया हमें, यहाँ कोई लोकेशन नहीं थी। अब वापस जा रहे हैं अपन लोग जा रहे हैं मेरी लोकेशन पे जो बिन्नू भाई ने चूज किया है, तो अभी आपको पता चलेगा मेरी लोकेशन कहाँ की है। तो अपन लोग अब ढेला आए थे, तो यार वहाँ पे काफी देर खड़े रहे, तो उसने फिर ऐसी पोपट काट दिया, उसने कहा लोकेशन है, तो हमने कहा चल ठीक है, टाइम खराब हो गया मुझके, मेरा 1.5 घंटा खराब हो गया हमारा। तो हमारे साथ ये नया मेंबर जुड़ चुका है, ये संजय का भाई है, क्या नाम है भाई अपना नाम बताओ? जैन साहब। ये है आर्मी लवर ब्रो, ये आर्मी में भर्ती होगा भाई ने बोल दिया होगा, ठीक है ना भाई? भाई अपनी पूरी मेहनत कर रहा, हो जाएगा भगवान की दुआ से, बाकी तो यार आप लोग भी सपोर्ट करो, क्या सपोर्ट करेंगे यार, मेहनत तो खुद की है, तो कोई देखती नहीं, आप लोग दुआ करो भाई भी कभी आर्मी में होगा। धूप में बांध रखा है, कोई नहीं अभी उनका तो काम है, कुछ नहीं कह सकते। तो अपन लोग पहुंच गए, थोड़ा टिकली यहाँ, थोड़ी ठंडा गया था, बच गए, बिगड़ जाता पीछे, पता ना इसके मोटा सा बटर था, सांटा था कोई, बच गया, कहाँ जा रहे थे, किलोमीटर मार के भाग गया। अच्छा वही पहले ना, कौन देख रहा है, बिना अंडरवियर के ना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, रही हो? वीडियो नहीं बनाऊंगा ना उस टाइम।
बस गाड़ी हमें बाहर ही रखनी पड़ेगी है, साइड में लगाते देख उधर जगह है बस। कहाँ लगाएगा जगह देख ले एक मिनट। तो गाइस यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। अरे यार अबे यहीं खड़ी कर दो। गाइस यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा पुल तक हमें, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। बाकी सबने सब पार्क यहीं हो रही है कार, तो हम भी यहीं कर देंगे यहीं साइड में जगह देख के, क्योंकि अंदर लेना अलाउड नहीं है, रास्ता नहीं है ना अंदर। वो कहाँ गए सब? गर्मी हो रही है ना? अरे बहुत भयंकर, गाड़ी में सही मजा आ रहा था यार, गाड़ी में मजा आ रहा था। सो गाइस अपन लोग पहुंच चुके हैं झूला पुल, अब यहाँ से चल रहे हैं। हाँ भाई चलोगे क्या रामनगर को? चलो बिल्लो भाई। कैब बुक करोगे? हाँ कैब, 5 रुपए दूंगा। 10 रुपए अब आगे रोड पे मत कर। तो हाँ तो साइड हो ना, साइड लगा, मजा आ गया भाई साहब। जा रहे हैं झूला पुल पे, देखना क्या व्यू है। झूलोगे? कार दोनों हमने पार्क कर दी है और सामान अपने साथ ले लिया है, चल रहे हैं सीधा पुल के नीचे मिलेंगे। और काफी टाइम बाद घूमते घूमते हमारा पोपट कट गया, काफी टाइम बाद हमें एक लोकेशन मिली, हमने कहा फिर यहीं कर लेते हैं, क्योंकि अब दूर जाने का था नहीं, क्योंकि धूप भी बहुत तेज हो गई थी। एक चीज दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा सामान सभी ने पकड़ लगा है, और हमने पकड़ लगे गिलास, बिना गिलास के कुछ नहीं होगा। ये तो गाइस ये देखो, ये पीछे से आ रहे बंदे, थोड़ा थोड़ा सामान सभी ने ले रखा है। मैंने तो योगी को ले रखा अपनी साइड, इधर तो चलें ना, पहले ऊपर चलेंगे, पहले ऊपर से नीचे ऊपर ना, पहले रखना ना नीचे मत जाओ। तो अपन लोग अब इधर जा रहे हैं थोड़ा झूला पुल की तरफ को, तो ये बोल रहे हैं यहाँ से वहाँ चलेंगे। मुँह देख रहे हो गाइस कैसा हो गया, तब से घूमने पे लगे हैं अब। तो अपन लोग पहुँच चुके हैं यहाँ के, देखिए गाइस कितना बढ़िया व्यू है, यहाँ के पहाड़ हैं देख रहे हो, कितनी भीड़ है, बंदे जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, तब भी गाइस अभी जो खड़े हैं ना हम गर्जिया के झूला पुल पे खड़े हैं, और ये ऑडियंस को दिखाऊं सामने देखो कितनी भीड़ है आज, व्यू कितना तगड़ा लग रहा है। यहाँ चले नहाने, फिर हैं नहाने चले, यहाँ नहाएंगे पहले, पहले थोड़ा सेलिब्रेशन होगा गाइस, फिर अपना नहाने को। हेलो भाई अपन, हम ना मैं और पापा वहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे। हाँ ऊपर चढ़ के ना, यही खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। काफी अच्छी जगह है, हवा भी काफी मस्त चल रही है, ठंडी ठंडी वैसे गर्मी के टाइम है, और ये यहाँ पर आ गए। तो गाइस अपन लोग कर रहे हैं यहाँ पे एंजॉय, ये देख रहे हो पीछे का व्यू, पूरा पानी पानी है और हवा चल रही है यहाँ पे ठंडी, मतलब मजा आ गया गाइस। वो ढेला से तो मतलब लाखों गुना अच्छी जगह है यहाँ पे, पानी बहुत कम है ना आज। हाँ आज पानी बहुत कम है, तो अपन लोग नहाएंगे यहाँ पे सेलिब्रेशन के बाद। ये लोंडे पवन को धक्का दे, ये वाले रास्ते से होते हुए नीचे एकदम, बहुत ही हिली एरिया है, तो आराम आराम से जाना पड़ेगा, स्लोली स्लोली ब्रो, संभाल के नहीं तो दीपियो। वो अंदर यहाँ पे बड़ा सा एक पत्थर है, जब अंदर जाएगा ना थोड़ा सा दीपियो, अबे धूप में वीडियो आगे भी है पत्थर आगे भी है। हाँ पेड़ों के बीच में जो है, अरे पेड़ों के बीच में नहीं करना ना हमने, क्यों तो ऐसी जगह करना ना। चलो तो धूप में एक वीडियो, काफी बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, काफी बंदे यहाँ ना रहे हैं, और चलो जल्दी जल्दी चलो, कम ऑन गाइस ट्रेनिंग दे रहा हूँ तुम्हें पहाड़ों पे चलने की। तो गाइस अपन लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं इनकी, अभी इनको ये समझ में नहीं आ रहा केक कहाँ काटना है। ने वाले पत्थर पे देख, बड़े वाले पे, उधर ही सही है, उधर ही बैठ जाएंगे चारों। देख रहे हो गाइस व्यू कितना तगड़ा आ रहा है। वो गाइस ये देखिए हमने केक बना रहे हैं 5K सब्सक्राइबर पे। यो ये हमारा 5K सब्सक्राइबर पे द ईगल फैमिली। आप लोग सोच रहे होंगे कि 5K सेलिब्रेशन पे बंदे केक काट रहे हैं, क्योंकि यार मिलने बहुत बड़ी बात है 5K, क्योंकि इतनी जल्दी मैंने इतने सब्सक्राइबर कर लिए, वो मिलने बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है?
बहुत इतनी बड़ी की आप नहीं बता रहा मैं। और आप ही एक मिलियन करोगे कैमरामैन पहले। तो गाइस अब मैं आया हूँ हैंडल संभालने। ये कैम पवन भाई तो कुछ बेकार है। संजय भाई का मुंह बिल्कुल बंदर जैसा बना दिया केक में। और ये लोंडा कैमरामैन बहुत बेकार है ये। और ये अमरजीत भाई को खिलाया जा रहा है, सुमित भाई खिला रहे हैं, राजीव भाई कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 5K। आज आज छूट है, व्यू कैसा लग रहा है गाइस? इधर देखो, इधर संजय भाई फोकस। संजय भाई दाढ़ी थोड़ी मत। मजा आ रहा है, बहुत देर हो गई हमें यहाँ पे, पूरा मस्त एकदम। धूप भी बहुत हो रही है लेकिन हवा है तो इसके वजह से कंट्रोल कर पा रहे हैं हम गर्मी। अब लगे पड़े मजा आ रहा है गाइस। ये बिन्नू भाई आ रहे हैं, इनकी शक्ल देखो कैसे भालू बना रखे। मजा आ गया गाइस, फटाफट टैन के करा दो, शेयर करो वीडियो को दबा के। सेलिब्रेशन होगा पर कैसा हो गया बंदर की तरह। अबे खा ले, पवन भाई को खिला। ओए पवन भाई खिला दो, दबा के पेट भर दो। पवन भाई को मैं ही खिलाऊंगा, इससे बड़ी पार्टी होगी 10K पे, फटाफट करवा दो। मुंह पोत दिया उसका। अभी पवन भाई ने मुंह धोया था फिर लग गया, गलती कर दी। कुछ बोलो यार बिन्नू भाई चैनल के लिए। ये देखो ये भाई साहब, ये देखो इनको धोने की हो रही है। पहले बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, फोटो खींच लो फिर दिखाएंगे तुम्हें खाने पीने का सीन। फोटो शूट, फोटो। ये संजय भाई का छोटा भाई, ये देखो कितना मस्त लग रहा है, अलग ही दिख रहा है चश्मे में बस। 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट। गाइस गुब्बारे बीन रहे, उड़ गए सब हवा से, सब बलून गायब हो गए। उस तो सेलिब्रेशन की इतनी जल्दी थी, बलून फुलाना ही भूल गए। अब इनको याद आ रहा है कि यहाँ बैलून भी रखे हमारे पास। अरे बस, अरे 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 अरे। तो गाइस बलून वलून तो फूल गए, अब जो खाने पीने का सामान लाया वो खाते पीते हैं क्योंकि वो भी ठंडा हो जाएगा। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। क्यों हो रहे? मजा आ रहा है। A few moments later. So guys, अपन लोग ये खाना पीना अब खा लिया मैंने, तो अब ये खाना पीना खा रहे हैं, तो अब यहाँ से दीदा थोड़ा घर को निकलते हैं क्योंकि नहाने धोने का सीन नहीं है, फिर देर हो रही है, घर से भी फोन आ रहा है। तो फिर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सेलिब्रेशन वाली वीडियो आपको कैसी लगी। तो आप लोगों का, भाई लोगों का इतना सपोर्ट है कि आप क्या बताऊँ मैं, बहुत उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये अपने राजीव भाई, ये पेडी स्वेल है, ये तो इंजॉय कर रहे हैं सब। तो फिर मैं भी इंजॉय करता हूँ, अब देखते हैं थोड़ा नहाने धोने का सीन, तो ये नदी में देखते हैं थोड़ा नहाने धोने का सीन क्या होता है। तो फिर ये व्लॉग फिर यहीं ख़त्म करता हूँ, तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।
कबाड़ा कुछ नहीं रहना चाहिए, सब डालो थैले में। लाओ भाई, लाओ भाई, लाओ लाओ लाओ, कचरा है इसमें। लाओ भाई, लाओ भाई, सब डाल दो, सब कचरा इसी में डाल दो, कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है? सब डालो, सब रखो भाई, गंदगी बिल्कुल नहीं करनी है। लाओ भाई जल्दी लाओ, प्लेट खा रहे हो, जल्दी डाल दो उठा के। कचरा कहीं की कूड़े डाल में, वो कूड़ेदान में डाल देंगे यार। उठिए सब, एक का डब्बा उब्बा सब उठा लो, जितना भी कचरा है सब बाहर फेंकना कूड़ेदान में। एक वही है बोतल, उसमें पेप्सी है, पीले बिन्नू वो बोतल भी ले चल बाहर। एक हो गया, ठीक है संजय भाई। हाँ